रामपुर नामक गांव में शकुंतला देवी का बड़ा ही नाम था, क्योंकि वो जब भी मुंह खोलती तो उसकी आवाज 10 मिली दूर तक सुनाई देती। शकुंतला देवी बहुत ही झगड़ालू होने के कारण उसका पति घर छोड़कर चला गया। कुछ कहने लगे कि हिमालय पर तपस्या करते हुए दिखाई दिया, तो कुछ बोले काशी में अघोरी के रूप में देखा गया, तो कुछ लोग समंदर में डूबकर मर गया, नहीं और कुछ कहने लगे कि पाकिस्तान में पानी पूरी बेचकर आराम से जीवन बिता रहा है, नहीं शकुंतला देवी ही अपने पति को मार कर अपने घर के पीछे में दफना कर उसके ऊपर नारियल का पेड़ लगाई है, ऐसा कुछ लोग कहने लगे। इस प्रकार गाँव में कई लोग कई प्रकार की बातें बोलते रहे, पर शकुंतला देवी उन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्योंकि शकुंतला देवी का एक लौता बेटा था दीपक, जिसे वो अपने पति से भी ज्यादा प्यार करती थी। दीपक बहुत ही अच्छा था और वो अपनी माँ की हर बात मानता था। इतने में एक दिन, माँ मैं दिव्या नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, वो कॉलेज में मेरी जूनियर है, मैं शादी सिर्फ दिव्या से ही करूँगा। बाप रे, ये क्या, ये तो अचानक से बॉम्ब फोड़ा है। मैंने सोचा कि मेरे भैया की बेटी के साथ इसकी शादी करा दूं, तो उनकी सिर्फ इकलौती बेटी ही है, मैंने तो पूरा प्लान कर लिया। माँ सुन रही हो, दिव्या के साथ मेरी शादी करोगी या नहीं? हाँ, कराऊंगी। तो क्या दिव्या के परिवार हमारे जैसे अमीर हैं? नहीं माँ, दिव्या लोग बहुत गरीब है, मगर वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं दिव्या के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। बेटे की जिद को देखकर मजबूरन हाँ करना पड़ा और दीपक की शादी दिव्या के साथ हो गई। दिव्या बहुत ही अच्छी थी और भोली थी, शकुंतला देवी को सास की तरह नहीं बल्कि अपनी माँ की तरह मानती थी। वो बहुत ही आदर और प्यार से देखती थी, लेकिन शकुंतला देवी दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए खरी खोटी सुनाकर दिव्या को रुलाती रहती थी, पर बेटे के सामने प्यार का दिखावा करती, लेकिन बेटे के दफ्तर जाते ही, अरे ओ बिना दहेज वाली बहू, जाकर मेरे कपड़े धोकर जल्दी से खाना बनाओ, जाओ। जी सासू माँ। बेचारी दिव्या तास की हिंसा को सहती रही, पर दीपक से कोई शिकायत नहीं करती। कुछ समय बाद एक दिन शकुंतला देवी का भाई नामेंद्र गांव से शहर आया। उसको सारी बातें बताकर, मेरी बेटी को दीपक बहुत पसंद है, उसकी शादी मैं दीपक के साथ करना चाहता था, पर ये बेवकूफ बीच में आ गई है। भैया तुम कुछ ऐसा तरकीब सोचना ताकि ये घर से बाहर चली जाए। उसके खाने में लगातार 7 दिनों तक ये जहर मिलाओ। ऐसा करने से दहेज फ्री बहू मर जाएगी। वो मरेगी नहीं बहन, इस जहर को पीने से इस जन्म में उसे कोई बच्चे नहीं होंगे। दीपक को अपनी पत्नी से बहुत प्यार है, उसके कोई बच्चे न होने पर भी वो कोई दूसरा शादी नहीं करेगा। इस जहर से हम जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा भैया, जाकर पावरफुल जहर लेकर आओ ताकि वो मर जाए, 4 बूंद डालते ही तुरंत उसकी जान निकल जाए। हाँ, तुम्हारी जुबान बड़ी है और दिमाग कम, अगर बीबी मर गई तो दीपक दूसरी शादी नहीं करेगा, बल्कि डिप्रेशन में जाकर ड्रिंकर बन जाएगा और मर जाएगा, फिर उसकी भी तस्वीर लगानी पड़ेगी। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है भैया, उसे अपने पत्नी से बहुत प्यार है, अगर वो मर गई तो वो भी मर जाएगा। हाँ, इसलिए बीबी के लिए प्यार को पहले मिटाना है। तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही है भैया। इस प्रकार नागेंद्र की दी हुई जहर हर रोज बिना कोई देखे दिव्या के खाने में मिलाती थी। सातवें दिन जहर मिला हुआ खाना खाने की वजह से खून की उल्टियां करके चक्कर आकर गिर गई। डॉक्टर ने जब ये कहा कि दिव्या को कोई बच्चे नहीं होंगे, ये सुनकर दोनों बहुत दुखी होते हैं,
पर शकुंतला देवी दुखी होने का दिखावा करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। दिन गुजरते गए। दीपक के दफ्तर जाते ही झगड़ालू शकुंतला देवी दिव्या को खरी खोटी सुनाती। इतने दिनों तक दहेज फ्री बहू सोचती थी, अब तो तुम किडलेस बहू भी हो, बदनसीब वाली हो। इस प्रकार हर दिन सास की गालियां सुनती थी, बच्चे के लिए हर भगवान से प्रार्थना करती थी। एक दिन नागेंद्र की बीबी कमला आकर बोली, देखो दिव्या, अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो गांव के दामन में एक बरगद का पेड़ है, आधी रात को मटके से दूध ले जाकर डालकर बिना पीछे मुड़कर देखकर लौट आना। ऐसे 21 दिनों तक करना। ऐसा करने से मुझे बच्चा होगा मौसी जी? जरूर होगा, वो बरगद का पेड़ बहुत ही महिमावान है। पर क्या है कि तुम ये व्रत कर रही हो, इसके बारे में किसी को नहीं बताना। इन 21 दिनों तक मौन व्रत करना चाहिए, किसी से भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। सावधान, अगर किसी से बात करने से या फिर इस व्रत के बारे में किसी को भी बताने से तुम्हारे पति के लिए खतरा है। ठीक है मौसी जी। इस प्रकार कमला की सलाह से सर पर मटका, उस पर दिया, पांव में पायल पहनकर हर दिन आधी रात को अकेली गांव के दामन तक जाकर बरगद के पेड़ में मटके से दूध डालती थी। सर पर मटका रखकर जब वो जा रही थी, तब उसे गांव के कुछ लोग देख लेते हैं और शकुंतला देवी की बहू कोई पूजा कर रही है, ऐसा सभी लोग सोचने लगते हैं। भाभी, कैसा है मेरा प्लान? तुम्हारी बहू किडलेस बहू ही नहीं, हेडलेस बहू भी है। हाँ हाँ, बिना दिमाग वाली बहू। मेरी कही गई बरगद के पेड़ की कहानी पर विश्वास करके पेड़ को दूध डाल रही है। मेरा भैया का दिमाग तेज है तो तुम्हारा दिमाग दुगुना तेज है कमला। सुपर आइडिया है, यही सही वक्त है, दीपक का दिव्या के ऊपर से प्यार घट जाएगा। इस प्रकार शकुंतला देवी ने दीपक को दिव्या के बारे में उल्टी सीधी बातें बताई। मैं विश्वास नहीं करता माँ, दिव्या पढ़ी लिखी लड़की है, ऐसी पूजा वगैरह नहीं करती। आधी रात को घर से बाहर कहाँ गई है? अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास न हो तो गांव वालों को जाकर पूछो, आधी रात को गांव के दामन में स्थित बरगद के पेड़ पे दूध डालते हुए कई लोगों ने देखा है। इतने में दिव्या सर पर मटका रख कर आई। मौन व्रत की वजह से पति के कितना पूछने पर भी वह मुंह खोल कर कोई जवाब नहीं दी। किसी के कुछ कहने पर भी, पति के मारने पर भी, सास की गाली देने पर भी मौन रख कर 21 दिनों तक नियमानुसार कमला के कहे मुताबिक गांव के दामन में स्थित बरगद के पेड़ पर दूध डालती रही। 22वें दिन कमला के घर जाकर, मौसी जी, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, मुझे बच्चे होंगे ना? हाँ होंगे, मगर तुम्हारा व्रत अभी पूरा नहीं हुआ, उस बरगद के पेड़ को तुम्हारा बाल देना है। बाल देना है मतलब? मतलब गंजे होकर तुम्हारी चोटी को उस पेड़ की डाली में कील से लगाना है। औरतों के लिए सबसे प्यारी चोटी ही है, उस चोटी को प्रसाद के रूप में बरगद के पेड़ को समर्पित करना है, तब ये पेड़ जाकर भक्ति से खुश होकर तुम्हें बच्चे का वरदान देगी। बेचारी दिव्या कमला के जाल में फंस कर उसके कहे मुताबिक पेड़ के पास गई और बाल काट कर उस चोटी को पेड़ से बांध दी और गंजी होकर घर लौट आई। देखो क्या पागल है, गंजी होकर घूम रही है। दिव्या को इस रूप में देखकर दीपक को बहुत गुस्सा आया। माँ के मना करने पर भी मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमसे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा अगर हमारा कोई बच्चा ना भी हो तो भी चलेगा,
तुम पूजा करने लगी वो भी मैंने बर्दाश्त किया, तुम पागल की तरह बाल कटवा कर गंजी हो गई और हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकती हो, जाओ हमारे घर से निकलो, अब से तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैंने जिस दिव्या से प्यार किया है वो मर चुकी है। दिव्या के लाख कहने पर भी दीपक गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। कमला की सलाह से ऐसा करने से बच्चे होंगे इसलिए वो ये सब कुछ की थी। ये कहने पर भी दीपक ने भरोसा नहीं किया। दिव्या की लंबी सुंदर सी चोटी दीपक को बहुत पसंद था। ऐसी चोटी को कटवा कर गंजी होना गलत बात था, इसलिए लाख विनती करने पर भी दीपक ने नहीं माना और दिव्या को घर के अंदर आने नहीं दिया। जा रही बेवकूफ दिव्या। मेरी दी हुई जहर से दहेज फ्री बहू अब किडलेस बहू भी बन गई है। मेरा दिया हुआ बरगद पेड़ प्लान से किडलेस बहू अब हेडलेस बहू भी बन गई है। पागल दिव्या, जा रे जा। हेडलेस नहीं मम्मी, ब्रेनलेस बहू है। उन चारों के दिए गए धोखे की वजह से पति ने घर से बाहर निकाल दिया था और बच्चे तो होंगे ही नहीं, गांव में इज्जत भी चली गई थी। अब जीना बेकार था, इसलिए उन चारों की आंखों के सामने ही कुएं में कूदकर दिव्या ने जान दे दी। मर गई मेरी एक्स बहू, चलो अच्छा हुआ। भैया अगले महीने तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे दीपक की शादी है। ऑल आर वेलकम। इन सारी बातों से अनजान दीपक हमेशा की तरह ऑफिस चला गया। भैया तुम्हारे और कमला का मास्टर प्लान से वो मूर्ख दिव्या मर चुकी है। मेरा बेटा का उसके ऊपर से प्यार भी खत्म हो गया है। यही सही वक्त है, तुम्हारी बेटी मोनिका के साथ दीपक की शादी करा देंगे। हाँ बहना, यही सही वक्त है। कुछ दिनों बाद शकुंतला देवी दीपक को मोनिका से शादी करने के लिए कहती है। माँ तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिव्या मेरी जान है। मैंने गुस्से में दिव्या को घर से चले जाने को कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिव्या को पसंद नहीं करता। अगले हफ्ते ही मैं दिव्या के गांव जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। दीपक का जवाब सुनकर शकुंतला देवी का सर घूम गया। इसके बाद दीपक की कही गई सारी बातें शकुंतला देवी ने नागेंद्र को बताई। क्या इसका मतलब दीपक अभी भी सोच रहा है कि दिव्या जिंदा है? घर से चले जाने को कहने पर दिव्या अपने मायके चली गई सोच रहा है। भैया सोचने दो बहना, जब कहीं वो नहीं मिलेगी तब देखना, तब अंत में मेरी बेटी से ही आके शादी करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोनिका के साथ शादी बहुत ही देर हो जाएगी। भैया दिव्या कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली करके हमें लोगों को बता देंगे। अरे बहना तुम्हारी जुबान बड़ी और दिमाग छोटी है, उसे पता चला कि दिव्या मर गई तो वो भी मर जाएगा। दीपक के ऊपर से उसका प्यार खत्म करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कुछ। कौन सा उपाय है? सस्पेंस बहना, देखते जाओ। जंगल में जैसे सियार हो, गली में जैसा कुत्ता हो, हमारे घर के लिए मेरा पति नागेंद्र भी उसी प्रकार बहुत तेज है। यक मम्मी, पापा को कुत्ता और सियार से तुलना कर रही हो? पापा तो बिल में सांप की तरह कितने कनिंग है। हाँ हाँ, नागेंद्र का मतलब सांप ही तो है। एक सप्ताह गुजर गए, दीपक की दफ्तर में छुट्टी थी। दिव्या को लाने के लिए दिव्या के मायके जाने की तैयारी कर रहा था। जब वो बस पकड़ने के लिए जा रहा था तभी नागेंद्र द्वारा भेजा गया एक आदमी दीपक को मिला। दीपक बाबू कैसे हो? आप कौन? मैं तुम्हारी पत्नी के दूर का रिश्तेदार हूँ। इस प्रकार वो आदमी दीपक को विश्वास दिलाया और दिव्या ने दूसरी शादी कर ली है ऐसा झूठ बोला। उसके झूठ को सच मानकर दीपक घर लौट आया। माँ मैं भी दूसरी शादी करूंगा।
क्या हुआ अचानक से? दिव्या को लाने के लिए गया था ना? शकुंतला देवी बिल्कुल अनजान बनकर पूछने लगी। दीपक ने सारी बातें बताई। दिव्या को मुझसे प्यार नहीं है माँ, उसने दूसरी शादी कर ली है। मैं भी मामा की बेटी मोनिका से दूसरी शादी करूँगा, आप तैयारियाँ करो। भैया तुम्हारा प्लान सुपर है, दीपक और मोनिका के साथ शादी के लिए तैयार हो गया। तो फिर क्या समझी बहना, नागेंद्र का मतलब दिसने। दीपक के गुस्से में शादी के लिए हाँ कहते ही शकुंतला देवी तुरंत शादी की तैयारियां कर दी। सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे थे। असल में ये सब क्या है माँ, अचानक से मोनिका इन चुड़ैलों जैसे क्यों कर रही है? पता नहीं बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये शादी होना दिव्या को पसंद नहीं, इसलिए मेरी बेटी के ऊपर किसी भूत का प्रयोग की होगी। हाँ हाँ, ऐसे भी दिव्या को पूजा करने की आदत है। मुझे नहीं पता था दिव्या ऐसी लड़की है, मेरी वजह से दिव्या को चुड़ैल ने पकड़ लिया है। मामा जी आप किसी तांत्रिक को बुलवाकर मोनिका को जल्दी ठीक करवाइए। ठीक है बेटा, तुम दफ्तर जाओ। दीपक के ऑफिस जाते ही, हे भगवान, दिव्या भूत बनकर शायद मेरी बेटी को पकड़ी है। हाँ बेचारी मोनिका, पूरा बाल झड़ गया है। तुम कुछ ना कुछ करके उस गंजी चुड़ैल से छुटकारा दिलाओ भैया। मैं कल अलीपुर जाकर एक पावरफुल तांत्रिक को लेकर आता हूँ, फिर देखना उस गंजी चुड़ैल को कैसे सबक सिखाऊंगा। रात हो रही थी, सभी लोग गहरे नींद में थे। कोशिश कर रही थी पर वो चिल्ला नहीं पा रही थी। चुड़ैल कमला को गांव से दूर बरगद के पेड़ के पास ले गई और गंजा करके उस बाल को पेड़ में डाल दी और एक बड़ी कील से कमला को पेड़ में ठोक कर मार दी। अगले दिन गांव के सभी लोग उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। सभी के चेहरे पे डर थे कि दिव्या गंजी चुड़ैल बनकर कमला को बहुत ही भयानक तरीके से मार दी है। यह बात गांव के सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। पत्नी की मौत देखकर नागेंद्र रो रहा था। उस दिन से अंधेरा होते ही गांव के सभी लोग घर के दरवाजे बंद करके अंदर ही रहने लगे। इतने में अलीपुर से एक तांत्रिक आया और आते ही कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फटाफट बूम, बुटा बुट, फटाफट बूम, बुटा बुट, फटाफट बूम, बुटा बुट। अब डरने की कोई बात नहीं, कोई और चुड़ैल बदला लेने के लिए इस घर वालों को सता रही है। मैं उसे बंदी बना दिया हूँ। मुझे दक्षिणा के रूप में 5 झोला सोना और एक काला बकरा दीजिए। ठीक है स्वामी जी, दूंगा। ऐसा कहते ही नागेंद्र की आंखें लाल रंग में बदल गई, बाल सारे झड़ गए और वो गंजा भूत में बदल गया। अरे बाप रे, सच में भूत, मैं तो मर गया। अगली बारी तुम्हारी है शकुंतला देवी, अब देखना।
गंजा भूत बना नागेंद्र भागते हुए कुएं के पास गया और कुएं में कूदकर मर गया। यह सब देखकर दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नागेंद्र मामा और कमला मामी दोनों मर गए। मोनिका जिंदगी और मौत के बीच में है माँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? सच बताओ माँ, मुझे बताओ माँ। शकुंतला देवी ने दीपक को सारी बातें बताई कि कमला अपनी प्लान से दिव्या क्षुद्र पूजा कर रही है। इस तरह गांव वालों को यकीन दिलवाई, दिव्या को अपने आप को गंजा करवाने के लिए भी प्रेरित की और नागेंद्र के प्लान से कभी वो माँ ना बन पाने वाली जहर दी। वो ये भी बताई कि दिव्या को कुएं में कूदकर आत्महत्या करने के लिए किस प्रकार वे लोग उसको मजबूर किए थे। दीपक बेटा, मुझे माफ कर देना। जायदाद की लालच में दिव्या के मौत के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मेरी गलती की सजा यही है कि मैं उसके हाथों में मर जाऊँ। तुमने जो किया इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा माँ। तुम्हारी पैसों की लालच की वजह से बेचारी दिव्या मर गई। लेकिन शकुंतला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कारण से एक बेटा होने के नाते दीपक ने जान पहचान वाले स्वामी जी को सारी बातें बताकर उनसे मदद मांगी। इसके बाद स्वामी जी घर आए। सारे बाल झड़ गए। दिव्या, दिव्या प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। माँ ने गलती की है पर माफ कर दो प्लीज। इतने में स्वामी जी गंजी चुड़ैल के ऊपर मंत्र जल छिड़कने लगे। ये दिव्या नहीं है स्वामी जी, ये दिव्या नहीं है। हाँ, ये दिव्या नहीं है। हे भूत, बताओ तुम कौन हो, वरना इस जल से तुझे अभी भस्म कर दूंगा। मैं शकुंतला देवी का पति हूँ। जब दीपक छोटा था तब एक दिन इस झगड़ालू शकुंतला देवी से तंग आकर मैं घर छोड़कर भाग गया। लेकिन मैं अपनी पूरी जायदाद अपने बेटे के नाम लिख दिया था और मैं उन कागजों को लेकर नागेंद्र के पास गया। साले साहब, अब मैं उस घर में नहीं रह सकता। बनारस जाकर मैं शांति जीवन बिताऊंगा। ये लो, मेरी पूरी जायदाद दीपक के नाम लिख रहा हूँ। तुम अच्छी तरह से उन लोगों की देखभाल करना। इन कागजों को शकुंतला देवी को दे देना। मगर ये नागेंद्र उस जायदाद को अपने नाम में करवा लिया। यदि मैं अपना मन बदल कर वापस लौट के आ जाता तो जायदाद हाथ से निकल जाती। इसलिए मुझे मारकर अंधेरा होने के बाद शकुंतला देवी के घर के पीछे वाली कुएं के पास दफना कर उस पर नारियल का पेड़ लगा दिया। कई साल बीतने के बाद एक दिन मेरी आत्मा नारियल के पेड़ से होते हुए नारियल के अंदर घुसी। उस नारियल के नीचे गिरते ही मैं बंधन मुक्त हो गया। मैं भूत में बदल कर हर दिन अपने बेटे को देखकर खुश होता था। लेकिन ये शकुंतला देवी बिल्कुल नहीं बदली। नागेंद्र से मिलकर मेरी बहू को आत्महत्या करने के लिए मजबूर की। उस दिन रात मेरी बहू जब कुएं में कूदी तब मैं दिव्या में प्रवेश कर गया और उसे अपने मायके पहुंचाया। मेरी बहू के साथ इन लोगों ने जो अन्याय किया उसके लिए मैं बदला लेना चाहता था, इसलिए मोनिका को सबक सिखाने के लिए ये सब किया। पिताजी, माँ ने जो आपके साथ अन्याय किया आपने उसका बदला ले लिया है। बेचारी माँ उनके जाल में फंसकर दिव्या को सताई, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज पिताजी, माँ को छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दूंगा। नागेंद्र और कमला को मारकर मैंने अपना बदला ले लिया। मेरी बहू को गंजा करने के कारण मैंने शकुंतला देवी और मोनिका को गंजा किया। दीपक बेटा, तुम जाकर दिव्या को लेकर आओ। ओए शकुंतला देवी, मेरी बहू को अगर अच्छे से नहीं देखी ना तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। ऐसा कहकर
भूत वहां से गायब हो गया। तब से शकुंतला देवी अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार से देखने लगी। काफी दिन गुजर गए। मुझे माफ कर देना बहू, मेरी वजह से कभी भी तुम्हें बच्चे नहीं होंगे। उस नागेंद्र की बातें सुनकर तुम्हें बच्चे न होने के लिए मैंने तुम्हें जहर मिला हुआ खाना खिलाया। सासू माँ, आपको एक सीक्रेट बताऊं? वो कौन सा सीक्रेट है? मैं अब पेट से हूँ, मेरा अब तीसरा महीना है। हाँ, ये कैसा मुमकिन है? डॉक्टर ने तुम्हें और कभी भी बच्चे नहीं होंगे कहा है ना बहू? जी सासू माँ, डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन दामन में स्थित बड़गद की पेड़ की कृपा से मुझे बच्चे हो गए। तुम शुद्र पूजा कर रही हो करके लोगों को बताकर तुम्हें सबके सामने बैठ करने के लिए उस बड़गद की पेड़ की कहानी कमला ने तुम्हें बताई है। इसका मतलब तुम अभी भी बड़गद की पेड़ की पूजा कर रही हो? नहीं सासू माँ, उस पेड़ की महिमा नहीं। कौन सी बात है बताओ बहू, सीक्रेट सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बता रही हूँ सासू माँ। मैं जब कुएं में कूदी उसके बाद क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता। एक सप्ताह बाद आंख खोलकर देखने पर मैं अपने मायके में हूँ। माँ, मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं मरी नहीं? मर जाना क्या बेटी, तुम यहाँ पर कैसे आई मुझे भी नहीं पता। एक सप्ताह पहले सुबह होते ही पलंग पर थी। हर दिन डॉक्टर आकर मेडिसिन देने की वजह से आज तुमने आंखें खोली। असल में तुम मरना क्यों चाहती थी बेटी? दिव्या ने सारी बातें अपनी माँ को बताई, जिससे उसकी माँ दुखी हो गई। हे भगवान, वो शकुंतला देवी पैसों के लिए तुम्हें इतना सताई है? इसका मतलब तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती? हाँ माँ, मेरा जिंदा रहना बेकार है। ऐसा मत कहना दिव्या, भगवान तुम्हें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अकेली बैठी दिव्या को बार बार नागेंद्र, कमला और शकुंतला देवी द्वारा दी गई धोखे के बारे में सोच रही थी। दीपक के गाली देना और मारने के बारे में सोचकर रो रही थी। छी, मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर फूल बनकर उस कमला की बातें सुनकर गंजी होकर पेड़ पर दूध डाली हूँ। मेरी वजह से मेरे पति की इज्जत चली गई है। वैसे भी कभी मैं माँ नहीं बन सकती। यदि मैं जिंदा रहूंगी तो मेरा पति दूसरी शादी कभी नहीं करेगा। मेरा मर जाना इस समस्या का समाधान है। इस प्रकार आत्महत्या करके मर जाने के लिए वो जा रही थी। इतने में मैं यदि मायके में मर जाऊं तो गांव में सभी लोग मेरे पति द्वारा दी गई दुख की वजह से मैंने आत्महत्या कर ली करके सोचेंगे। मेरी वजह से उनका और सासू माँ का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। ऐसा सोचते हुए अपने ससुराल के गांव के दामन में स्थित बरगद के पेड़ के पास जाने लगी, ताकि उस पेड़ से फांसी लगा सके। वैसे भी सभी लोग कह रहे हैं कि मैं उस पेड़ पर शुद्र पूजा कर रही हूँ करके। उस पेड़ से ही फांसी लटकाने से शुद्र पूजा के लिए मैंने अपने आप को बलि दी करके सोचेंगे। मेरी सासू माँ और मेरे पति का भी नाम खराब नहीं होगा। सुबह तक बरगद के पेड़ के पास वो पहुँच गई। भूत, भूत। डरो मत दिव्या, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, शकुंतला देवी का पति हूँ। तुम्हें कुएं से निकाल कर तुम्हारे घर तक पहुँचाने वाला मैं ही हूँ। तुम मरना मत बहू। कुछ ही दिनों में मैं शकुंतला देवी को सबक सिखाता हूँ, तुम देखना। ससुर जी नमस्ते जी, माफ कर दीजिए, मेरा जीवित रहना बेकार है। कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ ना, इसीलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मर जाने दीजिए। क्या माँ ना बनने पर तुम मर जाओगी? भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने माँ की सृष्टि की है ऐसा कहा जाता है। पर मैं माँ नहीं बन सकती तो जीवित रहकर क्या फायदा ससुर जी? भगवान ने यदि माँ की सृष्टि की है तो शकुंतला जैसी झगड़ालू सास की सृष्टि क्या शैतान ने की है? कम उम्र में मरकर मेरे जैसा भूत मत बनना बेटी, जिंदा रहकर सब कुछ हासिल करो। ओए मूर्ख, कब के गए अब आ रहे हो? तुम्हारी राह देख देख कर मैं भी बरगद के पेड़ की शाखाओं में
एक शाखा में बदल गया हूँ। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। बड़गद के पेड़ के जड़ों में बड़ा भूत, एक तरफ बड़गद के पेड़ के डाली पर ससुर भूत, और एक तरफ ये बड़ा भूत कौन है ससुर जी? सालों पहले जब तुम्हारा पति छोटा था, तब तुम्हारी झगड़ालू सास शकुंतला देवी से तंग आकर मैं संसारिक जीवन से तंग आ गया था, और घर छोड़कर बनारस जाकर मैं सन्यासी बन जाऊंगा ऐसा मैंने सोचा। जब मैं जा रहा था तो उस वक्त मुझे गांव के दामन में ये गुरुजी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। कोई साधु लग रहे हैं, इनके पास शिष्य बनकर मैं भी सन्यासी बन जाऊंगा। गुरुजी, मुझे भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। दिखने में तुम बहुत पैसे वाले लग रहे हो, तुम सन्यासी क्यों बनना चाहते हो? मेरी बीवी द्वारा दी गई सारी तकलीफें मैंने बताई, और वे मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे बोले, और अपने साथ हिमालय भी ले जाएंगे बोले, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त स्वामी जी? कुछ नहीं बेटा, एक बार सन्यासी बन गए और मेरे साथ हिमालय में आ गए, फिर लौट कर नहीं आ सकते हो। अगर तुम्हारी कमाई हुई कोई जायदाद हो, यदि तुम उसे अपने बेटे को देना चाहती हो तो उसे देकर आओ। गुरुजी ने जो कहा था वो मुझे बिल्कुल सही लगा, इसलिए मेरी पूरी जायदाद मेरे बेटे दीपक को दे दूंगा, ये सोच में जाने लगा, पर मुझे एक संदेह हुआ। क्या गुरुजी मुझसे छुटकारा पाने के लिए ऐसा प्लान किए हैं? मुझे घर जाने के लिए कहकर शायद वे चले जाएंगे। देखने में तो बहुत ही तपोशक्ति वाले साधु लग रहे हैं, यदि मैं इनको छोड़ दूं तो शायद मुझे इतने अच्छे गुरुजी नहीं मिलेंगे। ऐसा सोच पीछे लौटा। गुरुजी, मेरे घर से लौट के आने से पहले शायद आप चले जाएंगे, ऐसा मुझे शक हो रहा है। मैं घर नहीं जाऊंगा, चलिए आपके साथ हिमालय पर चलते हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आने तक यहीं पर इंतजार करूंगा। आराम से जाकर अपने बेटे को तुम्हारी जायदाद देकर आओ, आखिरी बार अपने परिवार को देख कर आओ, जाओ। मुझसे छुटकारा पाने के लिए आप झूठ बोल रहे हो गुरुजी। नहीं बेटा, तुम्हारे आने तक मैं यहीं रहूंगा, तुम जाकर आओ। तो फिर मेरी कसम खाकर बोलिए, तभी मैं जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी कसम। तुम्हारे यहां आने तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा बेटा, तुम आराम से आओ। घर जाकर जायदाद की कागज यदि शकुंतला देवी को दूं तो उसे शक होगा और वो मुझे जाने नहीं देगी, इसलिए शकुंतला देवी के भाई के घर में गया। मेरी सबसे बड़ी वही गलती थी, वो नागेंद्र जायदाद के लालच में मुझे मार डाला। मूर्ख, तुम्हारी वजह से मैं हिमालय में नहीं जा पाया, तुम्हें कसम दिया था, इसलिए यहीं पर पेड़ के नीचे वेट कर करके भूख प्यास से मर गया। भूत बनकर इसी पेड़ के जड़ों में रह रहा हूँ। तुम बोलकर गए थे कि 2 घंटों में आ जाऊंगा, 22 सालों बाद भूत बनकर आए हो। चप्पल में गोबर की तरह, दीवार पर गोईठे की तरह मुझसे चिपके हो। मैं सन्यासी हूँ पर तुमने मुझे मूर्ख बना दिया, मूर्ख कहीं के। गुरुजी, गुरुजी, सॉरी सॉरी, मैं लौट कर आने के लिए ही गया था, पर उस नागेंद्र के हाथों मारा गया। इस तरह सारी बातें गुरुजी को समझा कर बताया। ओहो, इसका मतलब इस पेड़ के जड़ों में 21 दिनों तक आधी रात को दूध डालकर मेरी भूख प्यास मिटाने वाली वो तुम्हारी ही बहू है। जी स्वामी, कमला के कहने पर मैंने वैसा किया, गंजी होकर मेरे बालों को इस पेड़ को देकर, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, मैं माँ नहीं बन सकी। रो मत बेटी, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा त्याग बेकार में नहीं गया। तुम्हारी डाली हुई दूध से मेरी सालों की भूख मिट गई और मेरे द्वारा हासिल की गई तपोशक्ति तुम तक पहुंची है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, तुम माँ बनोगी बेटी, जय हो। इस प्रकार
वरदान देकर गुरुजी गायब हो गए। ससुर जी मुझे अपने मायके चले जाने को बोले। तुम्हारी सासू माँ को सबक सिखाकर उसमें अच्छे बदलाव लाऊंगा। तब तक मुझे अपनी माँ के पास ही रहने के लिए बोले। ससुर जी ने जैसा कहा बिल्कुल आप वैसे ही बदल गई हैं सासू माँ। ऐसा ही घटा था सासू माँ, बरगद के पेड़ के जड़ों में गुरुजी के वरदान से आपने मुझे जो जहर दिया उसका कोई असर नहीं हुआ। हे भगवान, मेरा पति सन्यासी बन जाना चाहता था, क्या मैं इतना सताई हूँ बेचारे मेरे पति को। ओ जी, आप जहाँ भी हो मुझे माफ कर दीजिए। कोई माफी नहीं मिलेगी ए शकुंतला देवी, अगली बारी तुम्हारी है। सबके बावजूद बरगद के पेड़ वाले स्वामी जी की कृपा और आशीर्वाद से दिव्या को एक बेटा हुआ। शकुंतला देवी बहुत बदल गई थी। वो बहू को अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार से देखभाल कर रही थी। शकुंतला देवी द्वारा दी गई टॉर्चर के बदले भूतिया ससुर को शकुंतला देवी को रेगिंग करने के लिए जितनी कोशिश करने पर भी कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। ओ जी, कहाँ हो? आपको पसंद है करके गुलाब जामुन बनाई, आकर खाइए। कहाँ है मेरा शैतान पति? क्या बात है शकुंतला देवी, क्या मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता हूँ? कुत्ते को बुलाने के जैसे बुला रही हो। अरे नहीं नहीं, आप मेरे प्यार को समझ नहीं पाए हो जी। ऐसे भी कुत्ते को कोई गुलाब जामुन खिलाता है क्या? प्यार कह रही है प्यार। जब मैं जिंदा था तब मुझे कोई चाय पानी तक नहीं पूछी, लेकिन मर जाने के बाद गुलाब जामुन खिला रही हो, जिस प्रकार कौआ को दाना देते हैं। उस वक्त मैं झगड़ालू शकुंतला देवी थी, अब मैं स्वीट शकुंतला देवी हूँ। प्लीज खाइए। पहले बहू और पोते को ना खिलाकर मुझे खिला रही हो। अरे नहीं, मैं जो भी बनाती हूँ सबसे पहले बहू को देती हूँ, उसके बाद ही मैं किसी और को देती हूँ जी, सच में। ठीक है तो फिर। क्या बात है जी, फिर से मारे? क्या स्वीट अच्छी नहीं है? तुम्हारे मुंह के जैसा, नमक बहुत कम है, जाओ। स्वीट्स में नमक कम है बोलने पर विश्वास कर ली मूर्ख औरत। बाप रे, किसी ना किसी बहाने से आज मैं अपनी बीवी को 3 झापड़ मारा हूँ, बहुत खुश हूँ, चलकर पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। कभी कभी भूतिया पति के हाथों मार खाते हुए बेटे बहू और पोते के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। इतने में शकुंतला देवी के परिवार में अचानक से तूफान के रूप में एक मुसीबत आई। मेरी बेटी की हाथों ही मुझे मरवाए हैं, मेरी बेटी को बिल्कुल अकेला कर दिए हैं, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इस प्रकार कमला बोधनी बन गई और बदला लेने के लिए शकुंतला देवी के घर में जाने की सोच ही रही थी कि इतने में कुएं से नागेंद्र की आत्मा बाहर निकल कर आई। रुको रुको, इतने दिनों बाद बदला लेने आई हो, पर सुनो, यहाँ पर हमसे भी बुजुर्ग एक भूत है जो कुत्ते की तरह घर की रखवाली कर रहा है, उसके सामने हमारी दाल नहीं गलेगी। मुझे रोको मत, आज मैं उस दिव्या को मारे बिना नहीं मरूंगी। पहले ही मरकर भूत बनी हो मूर्ख। लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी और शकुंतला देवी के घर के अंदर घुसने ही वाली थी कि तभी उसे बताया हूँ, मेरी बात ना मानी, पति की बात ना मानने वाली बीवी का हाल ऐसा ही होता है। दिवाली में जो रॉकेट जलाते हैं, वो ऊपर जाकर
फिर नीचे तुम्हारे जैसे गिर जाती है। अरे रुको, आ रहा हूं। ऐसा कहते हुए दामन वाले बरगद की पेड़ के पास पहुंचकर, जब तक उस शकुंतला देवी का पति भूत है तब तक उस घर के लोगों को हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तुमसे पहले ट्राई कर चुका हूँ। शकुंतला देवी का पति जब तक जीवित था वो बहुत वीक था, पर मरने के बाद भूत बनकर बहुत स्ट्रांग हो गया है। वो अकेला भूत उसकी बाल और दाढ़ी ऐसी है जैसे गोरिल्ला को लंगोट पहनाने के बाद जैसा दिखेगा वैसा ही वो दिखता है। हम लोगों को मारकर हमारी बेटी को अकेली करके वे लोग आराम से हैं। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी भी तरह उन लोगों को परेशान करना है। इस प्रकार के चालाक दिमाग तो सिर्फ तुम्हारे पास ही है। बताओ क्या करना है, किस प्रकार उनकी खुशी को छीनकर हम अपना बदला ले सकते हैं। आइडिया, शकुंतला देवी के कई खेत हैं। हम अपने पिशाच शक्ति से खेतों को बर्बाद कर देंगे। खेतों के बर्बाद होने से बहुत नुकसान होगा। शकुंतला देवी के खेत के साथ गांव के अन्य लोगों के खेत भी बर्बाद होने चाहिए। होने दो, मेरी बेटी को गंजी करने से गांव वाले उस पर हंसे हैं ना, उन लोगों को भी रोने दो। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, गांव में गन्ने का खेत पूरा बर्बाद कर देंगे। गन्ने का सप्लाई ना होने से गांव में शुगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी, और शुगर फैक्ट्री बंद होने से उस दीपक की नौकरी भी चली जाएगी। एक तीर से दो निशाना। इस प्रकार बदला लेने के लिए भी भूत शकुंतला देवी के फैमिली को कुछ ना कर पाए और उस गांव के खेतों को बर्बाद कर दिए। पूरे गन्ने के खेत, फूलों के बाग, फूलों के पौधे सब सूख गए। बहुत कोशिश करने पर भी, दवाई डालने और खाद्य डालने पर भी कोई लाभ ना हुआ। तब गांव के मुखिया की सलाह से एक तांत्रिक को बुलवाया गया। दो भूत इस गांव से बदला लेना चाहते हैं। बरगद के पेड़ से कील मारकर मर गई कमला, उसी प्रकार कुएं में गिरकर मरने वाला नागेंद्र, उन दोनों की वजह से आपके गांव के खेत सूख जा रहे हैं। जब आपको ये सब कुछ पता है तो आप ही उनसे छुटकारा पाने का उपाय बताइए ना। बदले की आग में जलने वाले प्रेतात्माएं हैं वे। मरने के बाद 26 अमावस्या तक उनको इस भूमि पर संचार करने की शक्ति होती है। तब तक इंतजार करना होगा, उसके बाद अपनी शक्ति खत्म करके वे खुद ही भस्म हो जाएंगे। उन्हें मरे हुए तो पहले ही 2 साल हो गए हैं, इसका मतलब और 1 साल इंतजार करना होगा। बाप रे, अगर 1 साल तक खेती नहीं हुई तो गाँव वाले कैसे जीवित रहेंगे। आप ही कोई उपाय बताइए ना। और एक रास्ता है, वे शकुंतला देवी के परिवार से बदला लेना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों को गांव छोड़कर चले जाने को कहिए। तब वे भूत उन लोगों को सताने लगेंगे और इस गांव से चले जाएंगे। तुम्हारा उपाय तुम्हारा मुंह जैसा है। अपना घर खेत को छोड़कर मैं क्यों गांव छोड़कर जाऊं? अगर तुम उन भूतों से छुटकारा नहीं दिला सकते हो तो मुंह बंद करके अपना गांव चले जाओ, बेकार का सलाह मत दो। शकुंतला देवी, मेरी शक्ति को कुछ कम मत सोचो। तुम्हारा पति भी भूत बनकर तुम्हारे घर के पेड़ पर रहकर रखवाली कर रहा है। बेटे की प्यार की वजह से वो भूत बन गया है, इसलिए 26 अमावस्या गुजरने के बाद भी उसकी शक्ति कम नहीं हुई। जब तक तुम जीवित रहोगी तब तक तुम्हारा पति भूत की तरह घर की रखवाली करते हुए तुम्हें सताते और रुलाते रहेगा। सभी के घरों की रखवाली कुत्ते करते हैं और तुम्हारी घर की रखवाली भूत कर रहा है। बाप रे, सब कुछ देखा हुआ जैसा बिल्कुल सही बता रहा है ये तो। आपके गांव के लोगों के सामने 2 ही ऑप्शन है, पहला और 12 अमावस्याओं तक इंतजार करना, या फिर शकुंतला देवी के परिवार को गांव से निकाल देना। शकुंतला देवी, तुम्हारे एक के परिवार की वजह से पूरे गांव वालों को परेशान करना ठीक नहीं है। इज्जत से आप लोग चले जाइए और 12 अमावस्याओं के बाद आइएगा। अचानक से चले जाने को कहने से हम लोग कहां जाएंगे? ठीक है, तो फिर 1 महीने का वक्त ले लीजिए, अगले अमावस्या को गांव छोड़कर चले जाइएगा। हाँ, इन्हें गांव से जाना ही होगा। क्या करना है शकुंतला देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दीपक ऑफिस से जल्दी जल्दी घर आ गया, क्योंकि गन्ने की सप्लाई ना होने की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई थी और उसकी नौकरी चली गई थी। ये सुन शकुंतला देवी बहुत दुखी हुई।
सासू माँ बड़गद के पेड़ के गुरुजी से सलाह मांगेंगे। इस प्रकार दिव्या की सलाह से सभी लोग जाकर सारी बातें गुरुजी को बताए और उन भूतों से छुटकारा दिलाने को कहा। उस तांत्रिक ने बिल्कुल सही कहा बेटे, उनको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके यदि आप लोग गांव छोड़कर जाएंगे तो अगले ही पल में उनके हाथों सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए आप अपनी शक्ति से उनको भस्म कर दीजिए गुरुजी। दिव्या बेटी, मैंने अपनी पूरी शक्ति तुम्हें दे दी है, इसलिए तुम माँ बनी हो। उनको मारने की शक्ति यदि तुम प्राप्त करना चाहती हो तो कई सालों तक फिर से तपस्या करनी होगी। अब तो मैं भी उनको कुछ नहीं कर सकता बेटी। तो फिर कैसे होगा गुरुजी? कोई और उपाय नहीं है गुरुजी? है बेटी, उनकी शक्ति कम पड़ जाएगी। यदि ग्राम देवता को समर्पित करने के लिए मन्नत करेंगे तो उस फसल का वे कुछ नहीं कर पाएंगे। पर क्या है कि जिस फसल को देवता को देने के लिए मन्नत करते हैं, वे पूरी फसल देवता को समर्पित करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो उन भूतों की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। ठीक है गुरुजी, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। ग्राम देवता को प्रसाद के रूप में समर्पित करने के लिए वही फसल मात्र कैसे उगा सकते हैं दिव्या? वही समझ में नहीं आ रही है सासू माँ। ग्राम देवता को नारियल, केले, फूल समर्पित करना है। फल और नारियल के पेड़ लगाने से एक साल के बाद ही फल लगेगा। तब तक यदि कोई कमाई ना हो तो गांव वाले क्या खाएंगे? गांव में सभी लोग फूल के पौधे लगाएंगे, एक महीने में ही फूल लगने लगेंगे, उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं। जी सासू माँ, आपका दिमाग बहुत तेज है। इस प्रकार गुरुजी द्वारा बताई गई सारी बातें गांव के मुखिया को बताए और गांव में सभी लोगों से कहकर फूल के पौधे लगवाए। सभी लोग जो फूल लगाएंगे वे ग्राम देवता को समर्पित करेंगे, ऐसा कहकर वे लोग मन्नत मांगी और पौधे लगाए। आइडिया वर्कआउट हुआ। ग्राम देवता को मन्नत करके लगाए गए फूलों की वजह से उन भूतों की हवा पौधों को कुछ न कर पाई। इस प्रकार गांव के सभी लोग फूल के पौधे ही लगाने लगे। गांव में हर जगह तरह तरह के फूलों के पौधे दिखाई देने लगे। जो भी फूल लगता था उसे ग्राम देवता के पास रख कर उसके बाद उन्हें बेचने के लिए ले जाया जाता था। बाजार में जहाँ देखो वहाँ फूल ही फूल नजर आने लगे थे। खरीदने वाले कम और बेचने वाले ज्यादा होने के कारण फूलों का दाम बहुत कम हो गया था। किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा था। फूलों के व्यापार से नुकसान होने लगा। दिन गुजरने के साथ साथ फूल मुरझाने लगे। तालाबों में, कुओं में, खेतों में, गांव में जहां देखो वहां सूखे ही सूखे दिखाई देने लगे। इस वजह से गांव में सभी लोग शकुंतला देवी के परिवार से नाराज हुए और तुरंत गांव छोड़कर जाने के लिए कहने लगे। ये सुनकर शकुंतला देवी उदास होकर बैठी थी। शकुंतला देवी उदास रहती हो तो अच्छी नहीं लगती, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ऐसा कहकर भूतिया ससुर ने सलाह दिया। तुरंत शकुंतला देवी जाकर अपने गहने अपने बेटे को दे दी। सोने बेचकर जो पैसे आएंगे उन पैसों को लेकर सिटी को जाकर इस लिस्ट में जो है उन चीजों को खरीद कर लाओ। दिव्या, तुम जाकर गांव में तुम्हारे कोई चार फ्रेंड्स को लेकर आओ, अर्जेंट। शकुंतला देवी के कहने पर दिव्या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर गांव के मुरझाए हुए किसी काम में ना आने वाले फूलों को इकट्ठा करके साफ करके सुखाए। उन सूखे हुए फूलों को दीपक के लाए हुए मशीन में डालकर ससुर भूत के बताए गए जड़ी बूटियों को मिलाकर अंत में पेस्ट से अगरबत्तियां, साबुन, सेंट तैयार करके उन्हें बेचना शुरू कर दिए। आर्टिफिशियल फ्लावर उपयोग किए बिना असली फूलों की उपयोग करके तैयार करने की वजह से वे साबुन, अगरबत्तियां और सेंट कुछ अलग ही लग रहे थे, इसलिए सभी लोग बहुत पसंद करके उसे खरीदने लगे। लगातार ऑर्डर्स आने लगे। सास बहु ब्रांड के अगरबत्तियां, साबुन और सेंट, इनका तो बाजार में डिमांड ही बढ़ गया था। शकुंतला देवी और दिव्या को पैसों का जो लाभ आया उन्हें लोगों में बांट दिए। सूखे हुए फूलों के लिए इतने पैसे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। फिर से गांव में सभी लोग फूलों के पौधे लगाने लगे। जो फूल आते थे उन्हें शकुंतला देवी लोग खरीद कर सास बहू के ब्रांड से साबुन, अगरबत्तियां और सेंट तैयार करने लगे।
ये सब बेचकर वो करोड़ों रुपए कमाए, साथ साथ गांव में कई लोगों को नौकरियां भी दिए। हाउसवाइफ तो अब अर्निंग वाइफ बन गई थी। सभी बहुत खुश थे। शकुंतला देवी की समझदारी के लिए सभी लोगों ने शाबाशी दी, लेकिन शकुंतला देवी तो पति की दी हुई समझदारी के लिए उन्हें शाबाशी देने लगी। ये सब देखकर कमला और नागेंद्र भूत कुछ कर ना पा रहे थे, इसलिए गुस्से से दिव्या को हेल्प करने वाले बरगद पेड़ वाले बाबा के पास गए। अरे बेवकूफ, उन लोगों को हमारे बारे में बताकर हमारा बदला पूरा होने नहीं दिया है। मरने के बाद भी बदला बदला कहकर ना घुमा करो, अच्छे बनकर रहो। तुम लोग गांव वालों से बदला लेकर सबको बर्बाद करना चाहते थे। उसी गांव में तुम्हारी बेटी भी है, शायद तुम लोग इस बात को भूल गए। मोनिका भी तुम लोगों की बदले की वजह से बर्बाद हो गई। दिव्या उसे अपने साथ मिलाकर सगी बहन जैसी रख रही है। वे लोग पुरानी बातों को भुलाकर मिलजुल कर रह रहे हैं। बेटे तुम लोग सारी बातें भूल जाओ और कम से कम अब तो बदल जाओ। गुरुजी की बातों से दोनों को अक्ल आ गई। बदला बदला छोड़कर आत्मा की शांति से हवा में गायब हो गए। तब से लेकर ना सिर्फ शकुंतला देवी का परिवार बल्कि गांव में सभी लोग सुखी जीवन बिताने लगे।